दोस्तों ये वीडियो एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड का पार्ट टू है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इस पोएम के 11 से लेकर के 20 तक के स्टैंजास को देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा अलग तरीके से इस पोएम को समझाना चाहिए आगे के जो स्टैंजास बचे हुए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे सका। क्योंकि अगर मैं किसी पोएम को समझाते हुए पहले इंग्लिश बोलता हूँ फिर हिंदी बोलता हूँ तो बीच में कनेक्शन टूट जाता है, समझ में आने वाली चीज़ भी समझ में नहीं आती। इस वीडियो में मैं ऐसा करूँगा कि किसी भी स्टैंजा को समझाने से पहले मैं उस पूरे स्टैंजा को डिस्कस करूँगा, उसके बाद उस स्टैंजा में जो वर्ड्स होंगे उसका मीनिंग बताऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों ये 11वां स्टैंजा है इस पोएम का। इससे पहले 10वें स्टैंजा के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि गाँव के जब साधारण लोग मरते हैं तो उनकी कब्रों पर कोई भी ट्रॉफीज वगैरह नहीं लगाता, उनकी याद में कोई शोक गीत नहीं गाए जाते। तो ये 11वें स्टैंजा में उसी चीज को कंटिन्यू किया जाता है। इसमें थॉमस ग्रे क्या बोलते हैं कि कोई फैंसी बढ़िया दिखने वाला कलश का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, अस्थियां रखी जाती है जिसमें, क्या कोई फैंसी दिखने वाला बढ़िया सा कलश या फिर कोई आधी मूर्ति इनकी कब्र पर लगा दी जाए, इन गांव वालों की कब्र पर लगा दी जाए जैसे अमीरों की कब्र पर लगाई जाती है इनको याद करने के लिए, तो क्या ये चीजें मरे हुए शरीर में वापस सांसें ला सकती है? नहीं। या फिर इनके ऑनर में कुछ कहा जाए तो क्या वो चीज इनकी साइलेंट डस्ट को भड़का सकती है? नहीं। या फिर कोई चापलूसी की जाए जो इनके डल ठंडे पड़े हुए कानों को खुश कर सके जो अब मर चुके हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये ऐसे सवाल पूछ रहा है यहां पर थॉमस ग्रे जिसके जवाब उसको नहीं चाहिए। अगर कोई पोएट ऐसे सवाल पूछता है अपनी पोएट्री के अंदर तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। तो ये चीज याद रखना, ऐसे सवाल जिनके जवाब पोएट को नहीं चाहिए होते तो ऐसे सवालों को हम बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। अब 12वें स्टेंजा में क्या बोला जाता है, परहैप्स ये लोग जो एक नेग्लेक्टेड सी जगह पर लेटे हुए हैं। नेग्लेक्टेड स्पॉट का मतलब है ऐसी जगह जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो ऐसी जगह ये लोग लेटे हुए हैं, तो इनमें से कुछों के दिल कभी प्रेग्नेंट मतलब फुल ऑफ पैशन से भरे रहे होंगे। प्रेग्नेंट मतलब फुल ऑफ और सेलेस्टियल फायर मतलब पैशन, फुल ऑफ पैशन से भरे रहे होंगे इनमें से कुछ लोगों के दिल जो यहां पर लेटे हुए हैं इस नेग्लेक्टेड सी जगह पर। अब ये वाली लाइन का मतलब यह है कि क्या पता इनमें से कुछ लोगों के हाथ एम्पायर करने के लिए, रूल करने के लिए बने थे। दोस्तों यहां पे स्वेड का मतलब है शासन करना, अपना बोलबाला करना, या फिर इनमें से कुछ के हाथ लायर बजाने के लिए हो। लायर का मतलब दोस्तों वीणा। तो ओवरऑल यहां पे पोएट कह रहे हैं कि क्या पता इनमें से कौन किस चीज के लिए बना हो, लेकिन अभी फिलहाल यहां पे सब के सब इस नेग्लेक्टेड सी जगह पर लेटे हुए हैं। आगे बोलते हैं पोएट, लेकिन नॉलेज ने भी इन लोगों के लिए अपनी आंखें नहीं खोली, मतलब नॉलेज के पन्ने कभी इनके सामने नहीं खुले। अमीर लोग जो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन ये लोग जो कब्रों में हैं इनको तो कभी एक्सेस भी नहीं मिली, कभी पहुंच ही नहीं हुई इनकी नॉलेज तक। क्यों पहुंच नहीं हुई इनकी, आगे वाली लाइन में बताते हैं, तीसरी लाइन में, क्योंकि इनकी गरीबी, पैन्यूरी मतलब गरीबी, वो इनको हमेशा रिप्रेस करती थी, दबाती थी इनकी नोबल रेज को। उस गरीबी ने हमेशा इनकी नोबल रेज को दबाया है, इनकी सोल में जो करंट था, जीनियल करंट था, उसको जमा दिया इनकी गरीबी ने। फिर आगे बोलते हैं कि फुल मैनी यहाँ पे मतलब है लॉट्स ऑफ, बहुत सारे, प्योर और निर्मल जेम्स का मतलब हीरे मोती, समुद्र के अंदर होते हैं ना, वो समुद्र की डार्क गहराइयों के अंदर, केव्स में, गुफाओं के अंदर छुपे रहते हैं। ऐसे कुछ फूल भी होते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, ऐसे फूल उगते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की नज़रों से वो अनदेखे रह जाते हैं, अनसीन रह जाते हैं, और अपनी उस स्वीटनेस को, अपनी उस खुशबू को वो कहाँ वेस्ट कर देते हैं, रेगिस्तान की हवा में। रेगिस्तान में भी तो खूबसूरत फूल उगते हैं जबकि उनको कोई देखता भी नहीं है, और हीरे जो बहुत ही खूबसूरत रहते हैं वो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, उनको भी कोई नहीं देखता। वैसे ही ये गांव के लोग, इनमें भी कोई ना कोई टैलेंट रहा होगा। अब इनमें से कुछ विलेजर्स हैम्पटन की तरह रहे होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जॉन हैम्पटन के बारे में बताता हूँ। हैम्पटन दोस्तों एक पॉलिटिशियन था, एक प्योरिटन पॉलिटिशियन,
जिसने चार्ल्स फर्स्ट की पॉलिटिक्स का विरोध किया था निडर होकर के साहस के साथ में। तो यहाँ पे जो विलेजर्स लेटे हुए हैं वो भी हैम्पडन की तरह रहे होंगे, एकदम निडर, जिनके सीने में कोई खौफ नहीं था और अपने गांव में किसी अत्याचार के खिलाफ ये खड़े हुए होंगे। टायरेंट का मतलब होता है कोई अत्याचार करने वाला। या फिर कुछ विलेजर्स जो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं वो पोएट मिल्टन की तरह रहे होंगे, जॉन मिल्टन की तरह। जॉन मिल्टन जो दुनिया को अपनी प्रतिभा इतनी नहीं दिखा सके। थॉमस ग्रे बोल रहे हैं कि म्यूट रह गई उनकी ग्लोरी जॉन मिल्टन की, वो और भी बहुत कुछ दिखा सकते थे वो दुनिया को। तो कुछ विलेजर्स उनकी तरह भी रहे होंगे, तो कुछ क्रॉमवेल की तरह रहे होंगे। क्रॉमवेल भी एक हिस्ट्री का कैरेक्टर है जो इतना जाना माना नहीं है, इतना पॉपुलर फिगर नहीं है, लेकिन वो एकदम गिल्टलेस था। उसने भी चार्ल्स फर्स्ट की नीतियों का विरोध किया था, तो वो विलेजर्स भी हैम्पडन, मिल्टन या फिर क्रॉमवेल हो सकते थे। आगे वाले 16 स्टेंजा में बोलते हैं, जब सिनेट्स का मतलब पॉलिटिशियंस जब कमांड देते हैं तो उनकी वाहवाही होती है। यहाँ पे अप्लाउज वर्ड का मतलब है उनकी वाहवाही होती है। तो वो वाहवाही इन विलेजर्स को नहीं मिल सकी क्योंकि इनमें से कोई भी उस सिनेट का मेंबर नहीं था, क्योंकि इनकी जिंदगी में जो दर्द था उसने इनको तुच्छ बना दिया और ये अपने स्माइलिंग लैंड के लिए कुछ नहीं कर सके और अपने देश की आंखों में अपने खुद के लिए इतिहास नहीं पढ़ सके। मतलब ये इतिहास में कुछ नहीं कर सके क्योंकि इनकी सिचुएशंस ने इनको रोक कर रखा था। ये अगले स्टैंजा में बोल रहा है थॉमस ग्रे कि उनकी सिचुएशन ने उनको रोक करके रखा था, नहीं तो उनके अंदर भी जो वर्च्यू थी वो भी ग्रो हो जाती, लेकिन इनकी सिचुएशन ने इनको रोक करके रखा था। दोस्तों यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है किसी को रोक कर रखना, किसी पर प्रतिबंध लगाना। तो ये तो अपनी वर्च्यूज को तो ग्रो कर नहीं सके, बल्कि ये तो बेचारे कोई क्राइम भी नहीं कर सके, नहीं तो उससे ही कोई इनको जान लेता, लेकिन ये तो बेचारे क्राइम भी नहीं कर सके। इन्होंने कोई थ्रोन यानी कि राजगद्दी पाने के लिए कोई खून नहीं बहाया। दोस्तों ये जो वर्ड है स्लॉटर, इसका मतलब है किसी को मारना, किसी का वध करना, संहार करना किसी का। तो इन्होंने किसी का संहार नहीं किया, किसी को मारा नहीं थ्रोन पाने के लिए, राजगद्दी पाने के लिए, किसी का खून नहीं बहाया और इंसानियत के लिए अपनी दया के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, अपनी दया के दरवाजे इंसानियत के लिए कभी बंद नहीं किए। आगे वाले स्टेंजा में पॉइंट बोलते हैं कि जब ये विलेजर स्ट्रगल करते थे तो इनको बड़ा कष्ट होता था, दर्द होता था, तो ये इस बात को, इस सच को छुपाते नहीं थे। और अगली लाइन में बोलते हैं वो कभी शर्म महसूस नहीं करते थे, वो कभी अपनी फीलिंग्स को छुपाते नहीं थे। और इन आगे वाली लाइनों में बोल रहे हैं कि उन गरीबों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाकर अमीरों की लग्जरी और प्राइड की चापलूसी करें, गीत गा गा कर, गाने गा गा कर। ये जो लास्ट लाइन है इसका मतलब समझो, ये स्वर्ग की देवी के सामने अगरबत्ती जलाकर अमीरों के लिए गीत नहीं गाए इन लोगों ने कभी। म्यूज का मतलब स्वर्ग की देवी, किंडल्ड मतलब जलाना, इंसेंस मतलब अगरबत्ती, अमीरों की लग्जरी और प्राइड के लिए। स्ट्रगलिंग पैंक्स का मतलब स्ट्रगल करने से जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, उसके लिए कहा है। ये 19 स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से सुनना। यहाँ दोस्तों यहाँ पे 19वें स्टेंजा में बोल रहे हैं कि शहरों की पागल जनता से, शोर शराबे से बिल्कुल एकदम दूर, पैसा कमाने के लिए वो घटिया बदनाम काम नहीं करते थे। इग्नोबल का मतलब घटिया और बदनाम काम, स्ट्राइव का मतलब संघर्ष, तो वो घटिया काम करने के लिए संघर्ष नहीं करते थे। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, दूर रहते थे वो शहर की पागल जनता से। उनकी इच्छाएं बिल्कुल सादी थी, सीधी थी, सोबर थी और उन्होंने कभी भी पैसा कमाने के लिए भटकना नहीं सीखा था। स्ट्रे का मतलब भटकना, एकदम शांत और एकदम कूल जिंदगी जीते थे। सिक्वेस्टर का मतलब एकांत में रहना, जिंदगी जीना पसंद करते थे और वो अपने रास्ते में कुछ ऐसे तत्व रखते थे जो नॉइसलेस हों। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 19वें स्टेंजा को स्पेशल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मैंने कुछ दिनों पहले एक नोवेल डिस्कस की थी थॉमस हार्डी की, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। दोस्तों थॉमस हार्डी ने अपनी नोवेल का जो टाइटल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो इसी पोएम से उठाया है। वो भी एक अच्छी नोवेल है, उसको टाइम मिले तो पढ़ना जरूर। अब ये 20वां स्टेंजा है, इसमें पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की एक इच्छा थी,
जहां भी इनको दफनाया जाए, ये खुद को इंसल्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। कम से कम मरने के बाद तो हमको रौंदा ना जाए इनकी बोन्स को, इनकी हड्डियों को। आगे वाली लाइन में बोल रहे हैं, भले इनकी कब्रों पर कोई ट्रॉफीज नहीं लगी हुई, लेकिन कम से कम इनकी कब्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें लगाई हुई है। कुछ मेमोरियल्स हैं, वो भले ही कोई फैंसी मार्बल से नहीं बने हुए, कुछ शेपलेस मूर्तियां बनी हुई है जिन पर कुछ देहाती टाइप की लाइनें लिखी हुई है, राइम्स लिखी हुई है, जिससे कल को कोई उनकी कब्रों के पास से गुजरे या फिर उनकी कब्रों के पास में बैठे तो कम से कम आह तो भरेगा, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए कम से कम आह तो भरेगा। तो एक इच्छा थी कम से कम इन विलेजर्स की कि इनको इंसल्ट, मरने के बाद इंसल्ट से प्रोटेक्ट किया जाए। अब दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको पोएम समझाने का समझ में आया होगा। जैसे मैं आमतौर पे पोएम को समझाता हूँ, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीका ट्राई किया है। तो मुझे कमेंट में जाकर के बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लगा, मुझे आगे ऐसे ही वीडियो बनानी चाहिए या फिर अपने पुराने वाले तरीके से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।